अगर तो झूठ बोलोगे फिर तो हम साथ में ले जाएंगे, हम साथ वापस जाएंगे फिर तो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम सारे जने सो गए, मेरे भाई दोनों सोने लग रहे हैं, मेरे बच्चे भी दोनों। राम राम जी, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। जो मेरी बहन है, आज चैनल पर पहली बार आई है, तो जाके एक बार चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज जान लग रही भाई, हम घर जाना बहुत ज़रूरी है, भाई यहीं भी नहीं रह सकते। और मैं तैयार हो गई हूँ सुबह सुबह ही, मतलब बस में फिर सुबह सुबह ही जाएंगे। और मेरे साथ मेरे भाई मेरे भाई जान लग रही है, मेरे दोनों भाई, मेरे बुआ का बेटा जो मैंने आपको बताया था, और दीबू ने मेरी बहन ले गई है। जब दीबू वहाँ मुरी थी तब तो किसी के पास नहीं जाता, आज मेरी बहन के पास जा रहा है थोड़ा सा खाना खाने। मेरी बहन पर अंग्रेज रही है, अपनी मम्मी को बुला, भाभी को बुला जा रही है। अबू ठीक है बेटा, ठीक है, जब छुट्टी पड़ जाएगी सुबह सुबह ही उठे रात को भाई मेरे पास होते को नहीं बुई मैंने तारे पास ना लेना भी, ठीक है ना भी नहीं। अभी मेरी भाभी ने ना भी तुमने मेरी बुई जा रही है, ठीक है चल बैठे बजा दे। मेरी भाभी आने लग रही है, तुम तो मैं क्या जाऊँगी, दे दे राम राम दे दे राम राम सारे भाई। वो मेरे भाई जाओगा मेरे साथ, राम राम सारे मजाक चल जाए इनका सब बच्चे। चलो यार छिकड़ी आम दे बढ़िया पागल तू ना मेरे चो चलो कर इनका तो मन ही नहीं कर रहा। इंडिया यार अमृतसर घुमा देना इनको, तो भाई हम घर पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए। बस मैं बस का सफ़र सबसे बेकार हुआ, मतलब बच्चों के साथ ही हुआ बेकार। अगर तो खुद अकेले हो तब तो सही रहा, पर बच्चों के साथ इतनी दिक्कत आओ, इतने रोए। और घर हम भी सारे जने सो गए, मेरे भाई दोनों सोने लग रहे हैं, मेरे बच्चे भी दोनों सोने लग रहे हैं। और भाई मैंने अपने मतलब जो कपड़े कुपड़े थे सारे अपनी अलमारी में धर दिए हैं बच्चों का, और ये थोड़े धोने के हैं, धोने के लिए कपड़े इतने ज़्यादा हो गए आजकल गर्मी है, तो दो दो तीन सूट बदलते थे बच्चे भी, और कल भी धो नहीं पाए थे। और आप घर आ गए, मम्मी और दादी इतनी खुश हो गई, पर दादी तो कहने लगती भाई रहने दें कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रह लेंगी। जब गई थी मगर कोई बात नहीं, दादी घर आना तो था, ऐसा ही एक दिन रहे, ऐसे ही चार दिन रहे, तो मतलब घर आके सुकून सा मिला, एक शांति सी। पर गर्मी इतनी है ना पूछो नहीं, मतलब पूरा हाल हो रहा है। पर गर्मी तो हर जगह है देखो, और घर आके अपना घर संभाल लगा, ये सामान था ही मेरे भाई और का सामान है, बैग मेरा सामान था भी बैग रहता है, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए धोने के लिए, मेरी तो तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। तो भाई मेरे भाई यार उठ गए सो के, मकान इनका शैम्पू दे दो और नहा लेंगे, इतनी गर्मी हो रही है। बस आज बाद दल से भी आ जाए, क्या पता बारिश आ जाएगी। कि मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है, मारे कान तो बारिश हो रही है, मगर तो कुछ भी को नहीं हो रहा, बारिश इतनी गर्मी हो रही है। और मगर थोड़े मैंने भी कपड़े धोने, पहले शैम्पू दे दो अपने भाई। तो भाई बच्चा भी नुआ दिया, कनिष्क भी नुआ दिया, कनिष्क खाने लग रहा है चार नमकीन। राम राम जी सारे ना, मेरी और बहन भाई है ना, बच्चे आ गए भाई, ईद घर में जी लग गया, नहीं तो जमन जी लग गया। बच्चों भी ना के जी लग गए थोड़े, मेरी मम्मी और कहने को हमारा जी को नहीं लग रहा, फोन किया था मेरी मम्मी ने, चाचू के पास जाऊंगा, इतना खुश हो रहा।
जल्दी से बाहर दे दे कपड़े फिरा कर लेकर जल्दी जल्दी कपड़े फिरा गर्मी बहुत हो रही है थोड़ी सी नारियल के तेल की मसाज ही कर दू इसके भाई मेरे भाई ना धो लिए थे गर्मी कितनी हो रही है और लाइट भी भाग रही है हमारे ये भी लाइट भाग रही है सामान लिया है मेरे भाई यार भाई थोड़ा सा ये आटा लिया है हमारे यहाँ चले जुटा कर भाई और इसमें अम्बी लिया है मम्मी मुझे लिया है खा लिया पैसे जब आए थे मम्मी घर क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी हो रही थी गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी मेरी दादी भी भाई बाहर था अब बच्चा सोन लग रहा मेरी दादी भी पूरे बैठी गर्मी हो रही है राम राम जी सह रहे अब मैं सबसे पहले कपड़े धो रही कपड़े इतने ज़्यादा हो गए धोने के लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि और भाई दो कौन पाए थे इतने कपड़े क्योंकि आना भी तो था और बच्चे तो दो तीन दिन बार ही बदले थे दिन में कल भी इतने बदले और सुबह भी और फिर ऊपर फिर मानने को ले इसमें हैंड वॉश में उपाद भी हमारा खत्म हो गया था तो उसमें सबसे पहले पाउच ले आई है पकड़ी भी बढ़िया कनिष्क भाई अगर देख लेगा ना इसको तो बस हाँ कितने का है ये पैकेट है 150 तो भाई अब खाने की तैयारी करूँगी इनके लिए बेचारे घर में बहुत परेशान हो रहे हैं बस बिंदी जाना आज उसको बिंदी बाहर ढक्कन ला देने का छोटे इतनी शरारत करा बाहर ही चलाओ गाड़ी इसके जो दोस्त है उन्होंने कहा मैंने बाहर ले आओ गाड़ी और मैं कोई लेजी को नहीं बाहर तोड़ देंगे पर मानता कोई नहीं मैं तो बाहर ले जाऊँगा गाड़ी तो चलाओ रुक जा तू आज तरह फिटूंगी मैं तो वही खाने पीने की तैयारी कर लो पी को पानी मेरी बहन कल थी और हमारे बैग में आ गया वो कल हमारे गए तो मैंने अपने पर्स में डाल दी थी और ये बहुत जरूरी आ गई उसकी कॉलेज है करें इंस्टीट्यूट में कॉलेज नहीं आ पाता और हम सारे जने बाहर बैठे हैं क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पे और लाइट है नहीं लाइट चली गई है इन्वर्टर पे पंखा चलने लग गया भीतर बच्चा सोने लग गया दादी कहने लग रही थी कि रह लेंदे इतनी जल्दी क्यों आई और इवनिंग का कि क्या बोलते हैं मारा तो जी नहीं लग रहा थारे बिना फोन में रह ले कोई बात नहीं ठीक रहो बड़का बिना जी लागे रह के कह दिन गया मैं मेरा मसा दिन काटा हाँ क्या बात तो है दादी पर फिर भी क्या बोलते काटे नहीं कटते जनों जो कुछ खाना करना हो बनवाए कर ले हम आएंगे तो कब तक आएंगे कोई नहीं मैं उनसे फोन करूंगी शाम को मैं उनको फोन करूंगी और उनसे पूछूंगी कब आएंगे देखो मेरे से तो यही कह था भाई तुम चले जाओ और बच्चे ने लेके तू चली जा और मैं आ जाऊंगा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मेरे भाई यार तभी आए भाई उससे बात करने के लिए और देखेंगे भी क्या कुछ रहेगा उसका हुआ था मैं आऊँगा मैं अब कभी नहीं ऐसी गलती करूँगा भाई वही यही बात कही थी मेरे से तो देखूँगी मैं भी आऊँगा कि क्या उसने मेरे से झूठ तो नहीं कहा मैं भरोसे हो रही आ ली पर आना तो था ही देखो दो तीन दिन और रहती फिर उसके बाद भी आना ही ऐसे ही एक दिन रहे ऐसे ही चार दिन रहे दस दिन रहे अगर तो झूठ बोल रहे फिर तो हम साथ में ले जाएंगे हम साथ वापस नहीं है फोन करवा था मैं आऊँगा मैं को नहीं कभी भी जानता न्यूकोड़े फ़ोन करके मेरे तक कि घर चली जा बच्चों ने लेकर मैं आपको आ जाऊँगा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा मेरे पापा पर बात करी और मेरे भाई अर्थ नहीं को भाई हम तो ले जाएंगे जे उसके ड्रामे यही रहे पर भाई मैं क्या करूँ मैं जा कौन सकती अपने बच्चे ने तो वो लेकर तो ना फिटन फिटान खतर भी ले गए आ गए वे बात करा लिए इनका गल के कुछ कहोगा वो बात को नहीं करनी वो उरी आओगा उसने बात तो मैं करूँगी वो तो उरी करेंगे बात सामने सामने उसके लक्षण क्योंकि अब बहुत परेशान हो लिया सब उसने बहुत तंग कर रखे हम इतने एक इंसान ने सारे इसकी ऐसी तैसी करा कितने परेशान होने लग रहे हैं गर्मी में सारे कभी कुछ एक दिन भी चैन की नींद को नहीं आती बालक आपको कहेंगे समझावेंगे बुलावेंगे कहेंगे ये बेचारे इतनी दूर से उठ के आए हैं इसका टेस्ट भी था मेरे भाई का ही पता नहीं क्या बोलते हैं
फिर भी उरी आया, चल कोई बात नहीं, टेस्ट की भी तैयारी करनी है, बन भाई का कमीशन की भी तैयारी करनी है। क्या करे, रोटी पानी का टाइम पता कर लिए, खाने खोने की कोई बात नहीं, हमने शाम को जब आप बात करो तो हमारी भी बात करा देना, फिर बोलते कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, बात भी करा देगी यार, खाना पीना भी बखत बना ले भाई, सुत्या है इतना, और बिजली का कोई भरोसा नहीं हो ये करता, लाइट तो आई कौन, हाँ याना गल नहीं में बने कर है यार, लाइट तो आई कर लियो बात, उसका लाइट कद की बाज रही है, पानी भी नहीं भरिया मैंने तो ढंग से, कपड़े कपड़े धोए बस, वो भी थोड़ा सा टंकी का पानी काट दिया, इतना गर्म पानी आते नहीं लाया जाता, बच्चे भी कई ओवर बैज लिया, ठंडा कर 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 आए, पहले भरिया फिर उसके बाद ठंडा होने का थोड़ा सा ठंडा सोच रहे, फिर नए बच्चे भी अपना बुरा हाल हो जाए गर्मी, क्योंकि थोड़ी जो भाई वजन ज़्यादा होने में गर्मी में बहुत दिक्कत आ, मेरे तो इतनी दिक्कत आ है, बहुत ज़्यादा फिर भी माड़ा दूड़ा बात चीत करियो, फोन पे इतना अच्छा परिवार पिटना रहे हैं, मैं नहीं फिर वाए बात है, रिश्तेदारी आंदे जांदे की हो है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही बात बोल रहे हैं आप, रिश्तेदारी तो वही होती है जो आंदे जांदे हाँ। रहे आपस में प्यार प्यार मोहब्बत से है आपस में, बिल्कुल अरे उस इंसान ने कुछ नहीं छोटा बाण भाई का तो दुख तो रहेगा तो आवे है, तम यू कहे हम ले जाएंगे कुकर, हम के करेंगे मां को करवाएंगे, फिर एक दिन बिंदी लागा बच्चा मिला मारा तो थोड़ा ही है, जब दादी ऐसे से काम करेगा तो क्या करेंगे यार, तो ऐसे भी तो हम भी तो नहीं छोड़ सकते ना अपनी बहन को यहाँ पे, अगर कोई इंसान समझ ही नहीं रहा उसे सर से ऊपर पानी चला जाए फिर तो एक्शन लेना ही पड़ता है, समझेगा ले भाई देख लियो कर लियो ले बात मड़ी थोड़ी बोल बतला लियो, डाके एक आएगा तो हमने के नहीं देखते भाई, शाम को फोन करूंगी क्या कुछ रहता है, कहियो करड़ा करियो धमकाइयो।